इसका मसाला किस तरीका से मिल रहा है। हेलो गाइज, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो गाइज देख सकते हैं कि इस जगह जमीन का जो फर्श ढाला जा रहा है, इसी देसी जुगाड़ मशीन से ढाला जा रहा है। तो बाकी इधर का हो चुका है, तो दोस्तों देख सकते हैं इधर ये वाला भी इधर से जो ढाला गया है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये रूम है, और बाकी ये भी जो ढाला जा रहा है दोस्तों, मैं आपको दिखाने का कोशिश करूंगा। और दोस्तों देख सकते हैं ये भी मशीन, ये भी रूम ढाला जा चुका है। तो दोस्तों देख सकते हैं इस जगह ये इस मशीन से मसाला मिल रहा था। तो दोस्तों ये दूसरी वाली मशीन है जो मैंने पहले वीडियो दिया था, उसमें चक्का जो था उसमें लोहे का लगा हुआ था, इसमें ऑटो रिक्शा का चक्का लगाया था मैंने। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी ये इसका मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो दोस्तों देख सकते हैं मशीन का क्या रिजल्ट है, तो यहाँ के जो राजमिस्त्री साहब है उनसे भी बात करेंगे। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ का जो मिस्त्री साहब है उनसे हम बात करते हैं कि ये मसाला किस तरीके से मिला और कैसा मिला, आपको कंफर्म दिखाने के लिए हम आ चुके हैं। तो मिस्त्री साहब यहाँ पर का कौन आप है, आइएगा थोड़ा इधर बोलिए बोलिए। आपको ये मशीन कैसा लगा? बढ़िया लगा, मशीन सहूलियत दे रहा है इंसान को? सहूलियत दे रहा है, लेबर बचता है, लेबर बच रहा है। मशीन होता ही है लेबर बचाने के लिए, ठीक है। तो आपको ये एक दिन में कितना लेबर बचा के दे रहा है, और आपके साथ अगर आप दो मिस्त्री हैं, आपके पास चार लेबर है, तो आप कितना कई दिन का काम एक दिन में आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते? मशीन लेने का मतलब ये होता है कि आदमी को फायदा होना चाहिए, फायदा बहुत ही ज्यादा होना चाहिए। दो घंटे का काम 10 मिनट में होना चाहिए। स्वास्थ्य क्या अंदाज है मशीन में, आपको कैसा लगा मसाला जिस वक्त मिल रहा है? हाँ बहुत अच्छा मशीन है। आप कितना दिन से काम करते हैं राजमिस्त्री? 20 साल से काम करते हैं। 20 साल से तकरीबन आप काम कर रहे हैं, और इसका अनुभव आपको मशीन का कैसा मिला? बहुत बेहतर मिला। तो इस मशीन के अंदर आप जो मसाला मिल के जो नीचे गिरा वो आपको देखने में कैसा लगा? कोई आफत या ऐसा कोई दिक्कत अगर ये मशीन को लेके जाए? अच्छा हो रहा है ना, पब्लिक के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बहुत हम सिर्फ पब्लिक के लिए ही बनाए हैं इसको, और पब्लिक के लिए बनाए कि पब्लिक को बेजोड़ फायदा हो इससे, और जबरदस्त फायदा हो, और एक पंजे 10 काम हो। एक पंजे 2 काज बोलता है ना, हम 10 काम बोलते हैं, क्योंकि ये बिजली से चलने वाली है, इसमें नो डीजल और पेट्रोल है, और ना इसका कोई सर्विस खर्चा है। एक बार यदि बन गया, और मैंने इसका कॉस्ट भी बहुत कम है, ये हल्का का हल्का चीज है, बहुत ही बेहतर है। ये कहीं भी आप ले जा सकते हैं, आराम से जा सकता है, आराम से जा सकता है। इसके अंदर एक और दो मिस्त्री साहब यहाँ काम कर रहे हैं ना, एक अंदर है। आप अच्छा, तो आप ये मशीन चल रहा है आप देख रहे हैं, तकरीबन आप कितना देर से काम कर रहे हैं राजमिस्त्री का? 15-20 साल हो गए तकरीबन। आपको भी अंदाज बहुत अच्छा हो गया होगा, ये जो मशीन बना है इसमें जो आपका मसाला मिला है, किस हद तक ये मशीन ठीक है आपको लगा? बढ़िया मसाला बन रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है आपको, और हम बनाया ही है सहूलियत के लिए। तो ये मशीन समझिए कि अगर ये जाएगा किसी पार्टी के पास, जैसे इस घर वाले के पास ये मशीन आया है, तो घर वाले को फायदा लग रहा है बहुत सारा। और सुबह से आपने क्या रूम को डाला? एक रूम को डाल दिए। जिस दिन ये मशीन नहीं थी इस जगह, तो खैर कितना रूम डाला जा रहा था? एक रूम सुबह से शाम हो जा रहा था, और अभी आपने 1 बजे तक एक रूम डाल चुके हैं, आप दूसरा रूम डालने का तैयारी हो चुकी है, तो आप डिनर करके मतलब की डालना शुरू हो जाएगा। तो ये सहूलियत दे रहा है ना ये मशीन, मेरे कहने का मतलब है बस ये सहूलियत के लिए। यदि किसी मशीन से आपको सहूलियत नहीं मिला, तो फिर मशीन लाने से फायदा नहीं है। लेकिन इस मशीन से आपको कितना फायदा मिलने वाला है, कितना लेबर बचा सकता है? अगर आप 4 लेबर 2 मिस्त्री के बावजूद काम करते, तो 2 दिन का काम 1 दिन खींचा जाएगा कि ज्यादा का काम खींचा जाएगा? ज्यादा खींचा जाएगा। लेकिन हम बोलते हैं अपने दर्शकों को कि 2 दिन का काम आप 1 दिन में कर सकते हैं। मेरा जो यूट्यूब चैनल पर जो मेरा दर्शक है उसको बोलते हैं कि ये 2 दिन का काम 1 दिन में खींचा जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं इस तरीका से आप बना सकते हैं। इस घर का मालिक को बुलाना चाहते हो? आइए मालिक, मैं अभी आइए। आपको कैसा लगा आपका काम? उजिया रहा है, मतलब अपने देसी भाषा में बोल रहे थे। वेरी नाइस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी। तो इस मशीन में लाभ है? बिल्कुल 100% लाभ है।
तो कहने का मतलब है कि ये सटीक है और कन्फर्म है जी। मशीन सक्सेसफुल है 100% और हम 101% देते हैं जी, क्योंकि जी। इसको हम तजुर्बा करके बनाए जी जी। और हम एक चीज और दिखाना चाहते हैं आपको कि इसमें जो माल किस तरीके से मिलता है और किस तरीके से देना चाहिए वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, आप हमारे वीडियो पे बने रहे। तो दोस्तों देख सकते हैं अब ये मैं मशीन चालू करने वाला हूँ। दोस्तों देख सकते हैं ये आपका स्विच रहा बिल्कुल इजी तरीका से, 2 MCB भी लगा हुआ है। ये दोस्तों ये मशीन चालू हो गई, ये कंक्रीट है, डालिए डालिए कंक्रीट डालिए, कंक्रीट का जो छलका है देख सकते हैं, आधा बोरा सीमेंट का माल इसमें अच्छा तरीका से बन जाता है, आधा प्लस भी बना सकते हैं आप, लेकिन आधा बोरा का ही हम गारंटी देंगे। और इसमें सबसे खूबसूरती वाली बात ये है दोस्तों, इसमें बिल्कुल आराम से आप बना सकते हैं 4 एक का माल आधा बोरा का, और तीन मिनट में आपका आधा बोरा का माल बनता है, अभी समझ में आए। तो दोस्तों किस हिसाब से ये बनना चाहिए दोस्तों देख सकते हैं, इसमें जिस तरीका से बालू फेंकी जा रहा है उस तरीका से ये माल बिल्कुल फाइनली हो रहा है दोस्तों। दोस्तों देख सकते हैं इसमें, देख सकते हैं इसमें अंदर का मसाला किस तरीके से बन रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं इसमें फिर से रेता डाला जा रहा है, बिल्कुल प्यार से डालिए, ये गिट्टी डाला जा रहा है। दोस्तों देख सकते हैं ये इस तरीका से, ये किस हिसाब से मसाला मिलता है देख सकते हैं, बिल्कुल मसाला तोड़ते हुए जा रहा है। दोस्तों देख सकते हैं ये मसाला इस तरीका से मिल रहा है, ये मसाला दोस्तों बहुत अच्छा मसाला मिलता है, जो कहने की बात है मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ, बहुत ही अच्छा मसाला मिलता है इसमें। आपको यहाँ के 2 मिस्त्री से भी मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाया और आपने सुना उनका बात, तो देख सकते हैं इस तरीका से ये मसाला मिलता है दोस्तों। बस ये दोस्तों ये मिनी मशीन है, ये आपको मिनी मशीन है तो छोटा वर्जन का मशीन है, तो ये आपको घर के लिए और आम काम के लिए बहुत अच्छा है, तो देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं ये मसाला मिल रहा है दोस्तों, ये कितना अच्छे तरीके से मसाला मिल रहा है, मैं आपको मसाला नीचे गिरा के भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों देख सकते हैं ये मसाला गिराने वाला है और बिल्कुल क्या देख रहा हूँ दोस्तों, देख सकते हैं ये मसाला कितना अच्छे तरीके से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।